हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग डेसिमल एक्सरसाइज 7B का पार्ट सी देखेंगे, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 23 से देखेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा बच्चों, आपको डेसिमल में चेंज करना है, ठीक है? 3 3 बाई 5, पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज कर लीजिए। 5 3 जा 15 प्लस 3 18 अपॉन में 5, ठीक है? अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 18 को 5 से। कितने बार में जाएगा, 5 3 जा 15, माइनस करिएगा तो क्या आ जाएगा, 3। अब आपके पास कोई भी नंबर नहीं है, पॉइंट लगा लीजिए यहाँ पे, क्या लिख लीजिए, 0। कितने बार में जाएगा, 5 6 जा 30, तो आपका क्या आ जाएगा, 3.6 आंसर, ठीक है? अगला क्वेश्चन है 21 4 अपॉन में 25, मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले तो 25 का 1 से, 25 हो जाएगा, 25 1 जा 25 प्लस 4 ऐड कर लीजिए तो आ जाएगा 29, पूरा हो जाएगा 29 अपॉन में 25। ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, डिवाइड दे लीजिए, 25 से देना है 29 को, तो 25 1 जा 25 होता है ना, माइनस करिएगा तो क्या बच जाएगा, 4। पॉइंट लगा लीजिए, 0 लगा लीजिए, फिर 1 बार में जाएगा 25 1 जा 25, क्या बच जाएगा आपके पास, 5 1, ठीक है? फिर क्या हो जाएगा आपके पास, 25 सॉरी पॉइंट लगा हुआ है तो एक जीरो और लगा लीजिए, 25 6 जा 12 में जाएगा, है ना, 6 5 जा 30 एंड 6 2 जा 12 और 3 15, ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, 1.16। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, 5 17 अपॉन में 50, सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 250 में आपको क्या ऐड करना है, 17 ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, 7 6 एंड 2, क्या हो जाएगा, 267 अपॉन में 50। अब आपको डिवाइड दे लेना है, दे लीजिए, क्या हो जाएगा, 55 बार में जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, ये 250, क्या आ जाएगा आपका, 67, ठीक है? अब पॉइंट लगा लीजिए, 0 लगा लीजिए, ठीक है? अब कितने बार में जाएगा देख लीजिए, तो ये जाएगा, सॉरी 6 में से 5 जाएगा तो ये 1, ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में 150, फिर से डिवाइड माइनस कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 2, एक जीरो आप और यूज़ कर सकते हैं, फिर ये 54 या 200 प्रॉपर चला जाएगा, ठीक है? आपका 5.34 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, 12 3 अपॉन में 8, पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 12 8 जा 96, 96 में प्लस 3 ऐड करिएगा तो आएगा 99, क्या हो जाएगा, 99 अपॉन में 8, डिवाइड कर देख लीजिए 99 को 8 से, कैसे हो जाएगा, 8 1 जा 8, ठीक है, 9 को उतार लीजिए, फिर कितने बार में जाएगा, 8 2 जा 16, फिर क्या आ जाएगा आपका, 3, पॉइंट लगा लीजिए, 0 लगा लीजिए, 8 3 जा 24, क्या आ जाएगा, माइनस करिएगा तो 6, फिर पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा लीजिए, कितने बार में जाएगा, 7 बार में, 8 7 जा 56, माइनस कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 4, पॉइंट लगा हुआ है तो आप एक जीरो और यूज़ कर सकते हैं, ये हो जाएगा 8 5 जा 40, अब ये क्या हो गया, पूरा आपका कट हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12.375, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, 2 19 अपॉन में 40, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये होता है आपका 14 2 जा 80, 80 में आप 19 ऐड कर दीजिएगा तो आएगा 99 अपॉन में 40, फिर से वही डिवाइड करना है, क्या आ जाएगा, 42 जा 80, माइनस करिएगा तो आपका बच जाएगा 9 और 1, पॉइंट लगा लीजिए, 0 लगा लीजिए, फिर आपका जाएगा 4 टाइम्स में, है ना, 2.4 इधर लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, 0 3, फिर आप पॉइंट लगा के एक जीरो का यूज़ कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, 7, ये हो जाएगा 280, कितना आ जाएगा, 20, फिर पॉइंट लगा के जीरो का यूज़ कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 5 बार में, ठीक है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2.475, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 28 है, 19 अपॉन में 40, सॉल्व कैसे करेंगे, डिवाइड दे लीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका क्या है,
40 से डिवाइड देना है 19 को, ये तो ऑलरेडी पहले से ही छोटा नंबर है, तो क्या करेंगे, ज़ीरो पॉइंट लगाते हैं ऐसे में, जब आपका पहले ही छोटा नंबर हो ना तो क्या करते हैं, ज़ीरो पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, अब ये आपका क्या हो गया, ऐसा हो गया, तब क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, क्वेश्चन है आपका 19 अपॉन में 20, तो अब आपको डिवाइड देना है 20 से 19 को, दे लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 9 टू जा 18, अब क्या बचेगा आपका 10, 10 बचेगा, फिर एक ज़ीरो यूज़ कर लीजिए, फिर क्या हो जाएगा 25 जा 100, ये आपका आंसर आ जाएगा 0.95। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, 37 अपॉन में 50, ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे पहले से ही कोई नंबर नहीं है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, 0 पॉइंट, तो 0 क्या हो जाएगा, 57 जा 350 होता है, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, मतलब माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 20, फिर से आप एक ज़ीरो यूज़ कर लीजिए, पॉइंट के बाद आप ज़ीरो लगा सकते हैं, ठीक है, सिंगल सिंगल ज़ीरो लगा कर आप सॉल्व करते जा सकते हैं, फिर ये क्या हो जाएगा, 50, फिर ये आपका कितने बार में जाएगा, 4 बार में, क्या हो जाएगा, 50 4 5 20, मतलब कट हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.74, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 107 डिवाइडेड बाई 250, ठीक है, डिवाइड कर लीजिए, पहले तो आपका 250 से छोटा हो जा रहा है 107, ज़ीरो का यूज़ करिए, 0 पॉइंट, अब ये 4 ये होता है आपका 1000 करिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस करने से आपका आ जाएगा 70, ठीक है, ज़ीरो का यूज़ कर लीजिए, फिर ये आपका हो जाएगा 252 जा क्या हो जाएगा आपका 500, माइनस करिएगा तो क्या होगा 200, ठीक है, अब एक ज़ीरो यूज़ कर लीजिए और, फिर 258 जा होता है 2000, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.428। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, 3 अपॉन में 40 को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे आप एक ज़ीरो लगाइए, फिर भी आपका नंबर 40 से छोटा हो जा रहा है, फिर आपको एक ज़ीरो का यूज़ करना पड़ेगा, लगा लीजिए, अब क्या हो जाएगा, 47 जा 280, है ना, अब तो आपका जा सकता है, माइनस कर लीजिएगा तो आ जाएगा 20, फिर आप एक ज़ीरो का यूज़ कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 200, आंसर आ जाएगा आपका 0.075, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 7 डिवाइडेड बाई 8, तो पहले तो आप लगा लीजिए 0, क्योंकि यहाँ पे 7 छोटा है ना 8 से, फिर ये हो जाएगा 8 8 जा 64, फिर क्या बचेगा 6, फिर 0 लगा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8 7 जा 56, 4 0 8 5 जा 40, पूरा कट हो जाएगा, आपका क्या आंसर आ जाएगा, 0.875, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 तक हमको किस में चेंज करना था, डेसिमल में चेंज करना था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, यूजिंग डेसिमल एक्सप्रेस। ठीक है, अब यहाँ से आपको थोड़ा बहुत कन्वर्टिंग सीखना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, 8 kg 640 ग्राम को आपको kg में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले तो आप इसको अलग अलग कर कर लिख लीजिए, ये होता है 8 kg + 640 ग्राम, इसको आप ऐसे डिविज़न करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको चेंज करना है किस में, केजी में, ये वाला आपका पार्ट पहले से केजी में चेंज है, तो आपको सिर्फ किसको चेंज करना है, ग्राम वाले को चेंज करना है। ठीक है, तो ग्राम वाले को किस में चेंज करना है, किलोग्राम में, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करना है देखते हैं, आपको एक एक्सप्रेशन पता होगा, 1 kg = 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 640 ग्राम को चेंज करना है,
है ना, 640 ग्राम को चेंज करना है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर आपको ग्राम को चेंज करना है तो इस एक्सप्रेशन में आपको ग्राम को सिंगल करना होगा, ठीक है। ग्राम को सिंगल करना है मतलब वन करना है। अब वन कैसे होगा ग्राम, आप 1000 का इधर, इस 1000 को आप नीचे ले आइए वन के नीचे, तो ये 1/1000 केजी इज इक्वल्स टू 1 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। ग्राम को चेंज करना है तो आपको ग्राम को सिंगल करना है, वन करना है, क्योंकि फिर अब नेक्स्ट स्टेप में देख लीजिए क्यों करते हैं वन, क्योंकि 640 आपको चाहिए ना, 640 ग्राम। अब आप आसानी से क्या कर सकते हैं, 640 का मल्टीप्लाई दोनों साइड कर सकते हैं। तो इस साइड करिएगा तो क्या आ जाएगा, 640 मल्टीप्लाई बाई 1 ग्राम, ये आपका देख लीजिए कन्वर्ट हो गया 640 ग्राम में, हो गया ना, यही आपको